फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं DD पाई मौला N3 प्रो को अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, और साथ ही साथ इसका जो हार्डवेयर किट आता है जो कि आपको आफ्टर मार्केट परचेस करना पड़ता है, उसको भी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊंगा। तो पैकेट कहीं से टेम्पर्ड है या नहीं वो पहले आप देख लीजिए, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम मिलते हैं तो तुरंत आप रिटर्न अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर दो पैकेट मेन पैकेट के अंदर में मिलता है, एक रियर कैमरा के लिए और एक जो मेन कैमरा है उसके लिए। यहाँ पर कुछ इसका डिटेल्स लिखा गया है, तो चलिए इसको मैं ओपन करके आप दिखाता हूँ कि अंदर में आपको क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पे एक मैनुअल बुक आपको पहले दिखने को मिलता है और अंदर में कुछ मटेरियल्स हैं। तो यहाँ पे पहले मैं कैमरा को ओपन करके दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त क्वालिटी का ये कैमरा है। यहाँ पे आपको जो रेजोल्यूशन मिलता है 2560x1600p का रेजोल्यूशन मिलता है, और इसका जो लेंस है दोस्तों इसमें 6 लेयर ग्लास आपका टेक्नोलॉजी यूज किया गया है, जिसके लिए आपको यहाँ पे एक क्रिस्टल शार्प और एक बहुत बेहतरीन आपको वीडियो मिलता है। और इस लेंस के लिए जो नाइट वी कैप्चर जो होता है वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से होता है। जो कैमरा का जो एपर्चर है f1.8 है और कैमरा का मेगापिक्सल है। यहाँ पे आपको एक सी टाइप पोर्ट मिलता है, स्पीकर मिलता है, माइक मिलता है यहाँ पे, और पैकेट के अंदर में आपको एक केबिन मिलता है जिसके साथ पावर सॉकेट का कनेक्शन होगा, और इसका लेंथ जो है 3.5 मीटर है जो काफ़ी लंबा है, और केबल का क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। इंस्टॉलेशन टूल भी आपको साथ में मिलता है जिसके लिए आप केबल को अच्छे से कार के अंदर में ड्रेसिंग कर सकते हैं। अंदर में आपको एक GPS डिवाइस मिलता है और यहाँ पे एक क्लैंप आप देख सकते हैं। तो सी टाइप पोर्ट को फिक्स करने के बाद इसके साथ आपको लॉक करना है तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। इसका एंगल भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो है 140 डिग्री, तो काफ़ी बेहतरीन वे में ये बहुत ज़्यादा एंगल ये कैप्चर करेगा। यहाँ पर आपको पावर सॉकेट भी एक दिया जाता है। यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर मिलता है जिसको आपको जो विंडशील्ड है इनसाइड में आपको पहले स्टिक करना है, और इसके ऊपर जो आपका मेन कैमरा है वो बैठ जाएगा। तो इसको पहले आपको अच्छे से पहले अलाइनमेंट कर लेना है, ये बहुत वाइटल है ये स्टिकर, क्योंकि ये आपको एक ही पीस मिलता है यहाँ पर। एडिशनली आपको और एक 3M स्टिकर मिल जाता है, इनकेस अगर मेन के साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैनुअल में फुल डिटेल्स लिखा गया है कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं और कैसे आपको इसको इंस्टॉल करना है, फुल गाइड इसमें दिया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इंस्टॉल करने के पहले मैनुअल बुक को अच्छे से पढ़ लीजिए। रियर कैमरा बॉक्स को अभी हम अनपैक करेंगे। यहाँ पे आपको एक 360 डिग्री रोटेट कैमरा दिखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको एडिशनल 3M स्टिकर भी फिर से दिया जाता है, और एक लाइट इंडिकेशन दिया जाता है जिससे आपको पता चलेगा कि ये एक्टिव है। इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है ये है 140 डिग्री, तो काफ़ी अच्छा ये एरिया कवर कर सकता है। और इसका रेजोल्यूशन है कैमरा का 1080p है। पैकेट के अंदर में और कुछ ज़्यादा नहीं मिलता है, इसके साथ कनेक्ट करने के लिए केबल बस मिलता है जिसका लेंथ भी काफ़ी अच्छा है, 3.5 मीटर है, और इसका मैनुअल गाइड भी रियर कैमरे के लिए अलग से मिलता है। तो इंस्टॉल करने के पहले ये मैनुअल जो बुक है अच्छे से पढ़ लीजिए। तो जो टोटल जो डिवाइस है GPS का उसमें आपको दो कनेक्शन मिलता है, एक है सी पोर्ट का और दूसरा है जो रियर कैमरा है उस पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए एक आपको कनेक्शन मिलता है। अगर मेन कैमरा में पार्किंग मोड को ऑन करना है, एनेबल करना है, तो ये हार्ड वायरिंग किट को आप अलग से परचेस करना पड़ेगा। इसका प्राइस अराउंड 1600 है, तो आप मेन वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, अमेज़न से भी परचेस कर सकते हैं। गाड़ी में अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्यूज़ होता है अलग अलग मॉडल के लिए, तो उस हिसाब से इसमें डिफरेंट आपका केबल का साइज, फ्यूज़ साइज़ और जो फ्यूज़ क्लिप साइज है वो अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं कौन से आपके लिए सही है। तो यहाँ पे आपको 24 आवर पार्किंग मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है जिसमें आपको अलग अलग पैटर्न मिलता है किस हिसाब से आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका जो फ्यूज़ है, दो फ्यूज़ लग जाएगा, एक कार का जो मेन फ्यूज़ है वो, और दूसरा है ये कैमरा प्रोटेक्शन के लिए एक फ्यूज़ दिया जाता है उसका। इसके साथ आपको एक अलग से केबल मिलता है, अगर इसको अगर लगाना चाहते हैं पार्किंग मोड को तो जो मेन केबल आता है उसका कोई काम नहीं रह जाता दोस्तों। तो यहाँ पर एक VCC ACC का एक ऑप्शन मिल जाता है जिसके साथ आपका कनेक्शन मेन करना है। एक ग्राउंड का भी एक केबल आपको मिलता है, तो ये भी सी टाइप का आपको मिलता है। तो ये आप पहले आप जांच लें कि आपको सही केबल मिल रहा है नहीं, USB है, AC टाइप है नहीं। इस कैमरे के साथ जो मेमोरी कार्ड रिकमेंड किया गया है मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप उसी मेमोरी कार्ड को यूज़ कीजिए। वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर।